अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शंस आर टू क्रोमेटिड्स एंड वन सेंट्रोमियर, फोर क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमियर्स, फोर क्रोमेटिड्स एंड फोर सेंट्रोमियर, टू क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमियर्स। आंसर इज ऑप्शन बी, फोर क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमियर्स। Next MCQ is, during cell division, spindle fibers attach a chromosome at, options are centromere, telomere, upper arm of chromosome, lower arm of chromosome। बच्चों आपने पढ़ा था कि जब एनिमल्स में सेल डिवीजन होनी होती है तो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले मेटाफेज जो होती है उसमें, पहले प्रोफेज होती है देन मेटाफेज, उसमें वो क्या करते हैं, एक मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं जिसमें तमाम क्रोमोसोम्स को वो अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, हमारे पास जो फेज आती है नेक्स्ट एनाफेज, उसमें होता है कि स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और वो जो होता है जो क्रोमेटिड उनको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन हो रही होती है उसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के किस जगह पे अटैच होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, सेंट्रोमियर, वो अटैच होते हैं सेंट्रोमियर पे। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, सम स्टूडेंट ऑफ एसएससी ऑब्जर्व्ड अ थिन क्रॉस सेक्शन फ्रॉम रूट टिप ऑफ अनियन प्लांट अंडर द माइक्रोस्कोप, दे फाउंड डिवाइडिंग सेल्स at different stages of their life cycle. One of the students found a cell at late prophase and counted 28 chromosomes in it. The number of chromosomes in daughter cells should be, options are 14, 28, 56, 7. Answer is option B, 28. Next MCQ is, crossing over results in genetic recombination. It occurs between, options are two chromatids of the same chromosome, two chromatids of any two non-homologous chromosome, two chromatids of opposite gametes, two chromatids of homologous chromosomes. Answer is ऑप्शन डी, टू क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द स्पिंडल ऑपरेटर्स ऑफ प्लांट्स डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स इन नॉट हैविंग, ऑप्शंस आर माइक्रोटब्यूल्स, इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोमियर। आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, सब्सटेंस एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एक्यूमुलेटेड इन द सेल ड्यूरिंग, ऑप्शंस आर G1, G2, एस फेज, एम फेज। आंसर इज ऑप्शन सी, एस फेज यानी के सिंथेसिस फेज। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस बोथ इन माइटोसिस एंड मियोसिस एक्सेप्ट, ऑप्शंस आर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल ऑपरेटर्स, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, क्रोमोसोम पेयर ऑफ
क्रॉसिंग ओवर? आंसर इज ऑप्शन डी, क्रोमोसोम्स पेयर फॉर क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा था जो माइटोसिस होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि जो मियासिस होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर भी होती है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होता है, मियासिस में होती है क्रॉसिंग ओवर, लेकिन माइटोसिस में नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द सेल शोन इन दिस डायग्राम इज पासिंग थ्रू। ये कमी बच्चों सेल डायग्राम शो की हुई है, कह रहा है इसमें जो सेल है ये पास कर रहा है कौन सी फेज से, ठीक है। ऑप्शंस आर प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, टीलो फेज ऑफ मियोसिस वन, एना फेज ऑफ मियोसिस टू। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज, ऑप्शंस आर इंटरफेज वन, प्रोफेज वन, इंटरफेज टू, प्रोफेज टू। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोफेज वन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट काजेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू रिड्यूस टू हाफ व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मायोसिस। ऑप्शंस आर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरफेज वन, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस वन, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस वन, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस वन। आंसर इज ऑप्शन बी, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस वन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज एट मेटाफेज वन स्टेज। बच्चों कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेल है जो मेटाफेज वन स्टेज पे, हमें चार सेल्स शो किए हुए फिगर्स में ए बी सी एंड डी, तो कह रहा है इनमें से कौन सा है जो मेटाफेज वन स्टेज पे है। आंसर इज ऑप्शन बी। बच्चे हमें बताए जो मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स क्या जाते हैं, एक मेटाफेज लाइन हो जाते हैं, और ये मेटाफेज वन तो यानी मियासिस वन किया है, तो इसमें देखें ये करेक्ट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज दिस डायग्राम इज शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, विच स्टेज कंटेन्स चाइज़मा। बच्चों कह रहा है कि ये जो नीचे आपको फिगर दी हुई है ये डिफरेंट स्टेजेस शो कर रहा है क्रॉसिंग ओवर की, कह रहा है इसमें किस में चाइज़मा बनता है। चेस बेटा ए बी सी आर डी। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मियोसिस। ऑप्शंस आर ये बच्चों एक ये फिगर दी हुई है, गैमेट फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, रीजेनरेशन, आंसर इज ऑप्शन सी, बी क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज डायग्राम शोज रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये देखें एक क्रोमोसोम है उसका सेंट्रोमियर पार्ट है, रेप्लिकेट होके उसने क्या बना लिया, कॉपी बना ली, ठीक है। व्हाट इज दी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दिस डायग्राम, क्या इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। ऑप्शंस आर टू, थ्री, फोर, सिक्स। आंसर इज ऑप्शन ए, टू। नेक्स्ट एमसीक्यू इज क्रोमोसोमल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई इज एट, द गैमेट्स ऑफ फ्रूट फ्लाई कंटेन। अच्छा बच्चों सॉरी, इसका जो आंसर है
उसने पूछा नहीं है कि जो है ना कि हमने क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन से पहले के बताने या रेप्लिकेशन के बाद, तो बिफोर एप्लीकेशन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2 है और आफ्टर एप्लीकेशन 4 है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज क्रोमोसोमल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई इज 8, द गैमेट्स ऑफ फ्रूट फ्लाई कंटेन ऑप्शंस आर 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, 8 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम। आंसर इज ऑप्शन बी 4 क्रोमोसोम्स। सो स्टूडेंट्स हमारी एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।